हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू महेश्वरी पाठशाला। अब हम पढ़ेंगे अक्रूड और आउटस्टैंडिंग इनकम। सबसे पहले इसको समझना जरूरी है, होता क्या है, अक्रूड इनकम्स होती क्या है। अक्रूड इनकम्स आर दोज इनकम्स विच हैव बीन अर्न ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। क्या बता रहे हैं? ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड बट हैवंट बीन रिसीव्ड। क्या हुआ? रिसीव नहीं हुई है। ठीक है, मान लीजिए कोई रेंट है, ठीक है, जो हमें कब मिलता है, 25th एवरी मंथ। ठीक है बेटा, ध्यान से समझना, 25th की डेट को हर महीने मिलता है, ठीक, ड्यू होता है मींस। तो मान लीजिए मेरा अकाउंटिंग पीरियड है 1 अप्रैल 2020 से 31st मार्च 2021, बोलो हाँ। ठीक है, अब जो मार्च का जो ड्यू हुआ होगा वो कब हुआ होगा, 25th मार्च 2021 को लेना पड़ेगा, मैं होगा ड्यू बन जाएगा मेरे पास। क्या किराएदार सभी टाइम से किराया दे देते हैं? नहीं। मान लीजिए कोई एक किराएदार था जिससे हमने किराया लेना था 25th मार्च को, लेकिन उसने अभी रेंट नहीं दिया, यानी इनकम तो हो गई है लेकिन रिसीव नहीं हुई है। बात समझ में? हाँ। यानी ड्यू तो हो गया भाई, तेरे से पैसे लेने हैं मैंने, लेकिन मिले नहीं है, रिसीव थोड़ी हुई, लेने हैं। बात समझ पा रहे हैं? हाँ। तो क्या हो गया, ये अक्रूड इनकम यानी अक्रूड रेंट। अब देखो, अभी ऐसे मान लीजिए मैंने लिखा है यहाँ पर रेंट रिसीव हुआ मुझे 30,000 का, फिर उसने एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बता दिया ₹6,000 एज अक्रूड रेंट। क्या है? 6,000 रुपए क्या है, अक्रूड रेंट है। ठीक है, तो आपको पता चल रहा है, देखो क्रेडिट साइड में लिखा है, अगर ये रेंट भी लिखा होता और क्रेडिट में लिखा है तो ऑब्वियस क्या है, ये इनकम है, बोलो हाँ। ठीक हाँ। है, अगर ये डेबिट में लिखा होता तो हमारा पार्टी नहीं होता, तो हमें पता होता एक्सपेंस है, लेकिन ये क्या है, इनकम है। तो इनकम कहां जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बाय रेंट रिसीव्ड, बोलो हाँ, रुपीस कितना बेटा, 30,000। समझ आती है बात? अब ऐड क्या होगा, क्योंकि ये कब का है, इसी वर्ष का है, तो क्या लिख देंगे, अक्रूड रेंट कितना बेटा, 6,000, बोलो हाँ। हाँ। कहां से आया हूं, एडजस्टमेंट से। तो अब देखो, अक्रूड रेंट मेरे लिए, देखो मुझे रिसिप्ट नहीं हुआ है, ड्यू तो हो गया है, क्या पैसा लेना है उससे, लेना है। ठीक है, तो अक्रूड रेंट मेरे लिए क्या है, एसेट है। क्या है? एसेट है। अक्रूड रेंट कहां पे लिख देंगे, एसेट, बोलो हाँ। समझ आती है बात? बस ये याद रखो कि कौन सी चीज कहां आनी है, उसका लॉजिक समझ लो भाई, आपसे बड़ा राजा नहीं है कोई इस दुनिया में। बात समझ पा रहे हैं? क्लियर है? सिंपल सी बात कि हमें 30,000 का रेंट तो मिल गया, लेकिन 6,000 रुपए अभी ड्यू तो हो गए लेकिन मिले नहीं हैं, तो क्या हो गई, वो अक्रूड रेंट। ठीक है, ऐसे और भी हो सकते हैं हमारे पास, जैसे कि अकाउंट कमीशन। ठीक है, किसी से कमीशन लेना हो और कमीशन नहीं मिला है हमें। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? चले, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।